के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देश का सबसे बड़ा दंगल देख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं जामनगर के महालक्ष्मी चौक बूथ पर। और यहां पर देखिए किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का पहला चरण है और ऐसे में बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता दें कि 1 बजे तक 35% मतदान कर दिया गया है और 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। लेकिन 2017 चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी को 99 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 77, लेकिन आम आदमी पार्टी खाता खोलने में नाकाम रही थी। अब क्योंकि हम सौराष्ट्र में मौजूद है, सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आज मतदान होने हैं और ऐसे में यहां पर तमाम लोग मौजूद हैं। और देखिए यकीन मानिए कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है तमाम लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और अच्छी बात यहां पर यह है, इस बूथ पर हमने देखी कि परिवार के साथ उनके बच्चे भी आए हैं, जिन बच्चों को परिवार अपने साथ नहीं छोड़ सकता था वो बच्चे भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है, उससे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैं यहाँ अपने मम्मी और पापा के साथ आया हूँ। वो आप ही वोट देंगे? नहीं, 18 साल से बड़े वाले लोग ही वोट दे सकते हैं। आपको किसने कहा ये? मेरी टीचर ने कहा है। और जब आप वोट क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि हमारा इंडिया आगे बढ़े। इंडिया आगे बढ़े, वेरी गुड। तो आप इस बच्चे को सुन रहे थे, देखिए जागरूक ही बच्चा है और साफ तौर पर ये कहता है कि जब ये 18 साल का हो जाएगा तो ये भी वोट देगा जिससे कि इंडिया यानी कि हमारा भारत देश आगे बढ़े। लेकिन हम वोट शेयर की बात कर रहे थे कि सौराष्ट्र में पिछली बार 54 सीटों पर मतदान किया गया था और ऐसे में अगर पूरे गुजरात की बात कर ली जाए तो 89 सीट्स पर जो मतदान हो रहा है उसमें से 48 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 40 सीटें थी जो कांग्रेस के खाते में गई थी और एक निर्दलीय के खाते में। लेकिन ये तस्वीर तो हमने दिखा दी। सुबह से पूजा भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पूजा, आपके पास क्या कुछ तस्वीरें हैं?